अभी तक हमने ये जाना है कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस यानी एक चर वाले समीकरण होते क्या हैं। तो हमने ये जाना कि x प्लस टू इज इक्वल टू फोर एक एक चर वाला समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक चर है, चर मतलब जिसका हमको मान पता नहीं होता है। ठीक है, 2x प्लस थ्री में हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल है यानी x, तो ये एक चर वाला समीकरण है। 3y-2 और 5z+2/3 इज इक्वल टू 6, इन सभी इक्वेशंस में हमको एक ही वेरिएबल है हमारे पास, यानी एक ही चीज़ ऐसी है जिसका मान हमको नहीं पता है। अब हम ये देखेंगे कि इन इक्वेशंस का यानी इन समीकरण को हल कैसे करते हैं। समीकरण को हल करने का मतलब होता है कि जिस चीज़ का समीकरण में मान नहीं पता है उसको निकालना। हम अब देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ कि हम सीखेंगे एक चर वाले समीकरणों का हल। ठीक, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। ठीक है, हल क्या होगा, कैसे निकालेंगे, यानी एक्स का मान या फिर वाई का मान अगर है तो, या जेड का मान है तो, जो भी है उसका हम मान निकालेंगे। यानी जो चर है या फिर वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है का हम मान निकालेंगे, यानी वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल हमको निकालना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हमारे पास x प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स है, y-3 इज इक्वल टू जीरो है, z इज प्लस टू इक्वल टू -2 है। इन तीनों इक्वेशंस में हमारे पास पहले वाले इक्वेशन में कौन सा वेरिएबल है, x है। दूसरे वाले इक्वेशन में हमारा क्या वेरिएबल है, y है। तीसरे में क्या है, z है। तो हमको जो सॉल्यूशन निकालना है यानी सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस को हल करने का मतलब हुआ कि ये जिनका मान हमको नहीं पता है, यानी पहले इक्वेशन में हमको मान पता नहीं है किसका, एक्स का नहीं पता है, दूसरे में हमको मान किसका नहीं पता है, वाई का नहीं पता है, जेड इसमें नहीं पता है, तो हमको क्या करना है, इन तीनों में जिस वेरिएबल का मान नहीं पता है उसका मान निकालना है। यानी यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी x का मान निकालेंगे। इसमें हम क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तीसरे वाले में हम क्या निकालेंगे, z का मान निकालेंगे, यानी वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ z। तो हमको एक चर वाले समीकरण का हल निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो वेरिएबल है यानी जो चर है, ठीक है, जिसका मान हमको नहीं पता है उसका मान निकालना। ठीक, अब आइए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं।
एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमारे पास क्या है एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल है y माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये समीकरण है। इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, पहले तो यही पता करते हैं कि वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें, किसका मान हमको इस समीकरण में ध्यान से देख के आपको देखना होगा कि किसका मान हमको नहीं पता है। जीरो, जीरो तो जीरो होता ही है, इसका मान हम बदल नहीं सकते हैं। तीन, तीन का भी मान हम नहीं बदल सकते हैं, तीन तो तीन ही होता है। वाई, वाई का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि वाई हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर हम ये बोलते हैं कि सॉल्व इस समीकरण को हल करना है, यानी समीकरण को हल करना है, इसका क्या मतलब हुआ, हमको जो वेरिएबल है उसका मान निकालना है। ठीक है, मान मतलब वैल्यू। ओके, सो समीकरण को हल करने का मतलब ये हुआ, यानी सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो हमको यहाँ पे y का मान निकालना है। अब y का मान कैसे निकालेंगे, हमको ये देखना है कि वही y का मान यहाँ पे आ सकता है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे y माइनस थ्री लिखला, हमको y का मान ऐसे निकालना है कि हम जब इस जो बायां पक्ष है उसको हल करें तो वो दायां पक्ष के बराबर हो जाए। ठीक है, तो बायां पक्ष हमारा क्या है, बायां पक्ष क्या है हमारा y माइनस थ्री है, और दायां पक्ष क्या है, यहाँ पे हम दायां पक्ष ले ठीक है, यहाँ पे दायां पक्ष लिख लेते हैं। दायां पक्ष तो हमारा जीरो है, सेम। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि y का मान हम रखते चले जाएंगे और देखेंगे कि जीरो कहाँ पे आ जा रहा है, यानी हमको दोनों पक्ष बराबर करने हैं। तो बायां पक्ष हमारा क्या है, y माइनस तीन है, तो हमको y का कुछ ऐसा मान चूज करना है कि हम उसमें तीन घटा दें तो जीरो आ जाए। ठीक है, चलो y बराबर वन रख के देखते हैं क्या आता है। तो y का मान हम वन रखेंगे तो माइनस थ्री, ये कितना आ जाता है, वन माइनस थ्री करेंगे तो माइनस टू आएगा। क्या ये जीरो के बराबर है, नहीं है, यानी ये y इज इक्वल टू वन हमारा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू टू रख के देखते हैं क्या होता है, टू माइनस थ्री बराबर माइनस वन, अभी भी ये जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, अभी भी ये जीरो के बराबर नहीं है। यानी y इज इक्वल टू टू भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू थ्री, थ्री माइनस थ्री बराबर जीरो। अब ये हमारा जीरो के बराबर आ गया, यानी हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया।
हमारा जो y का मान जो निकला वो हमारा क्या आया, y इज इक्वल टू 3। तो जो सॉल्यूशन हुआ, हल हुआ समीकरण का, हल जो हमारा समीकरण का हल आया वो क्या आया, y इज इक्वल टू 3। यानी जो हमारा सॉल्यूशन आया ये हमारा y इज इक्वल टू 3 आया। तो ये है एक चर वाले समीकरण को हल करना, यानी उसका मान निकालना। आगे हम और देखेंगे कि कुछ और एग्जांपल हम करेंगे और देखेंगे कि कैसे और क्या तरीके होते हैं कि एक चर वाले समीकरण का हल निकाल सके। ये तो एक आसान सा था जिसमें हम अलग-अलग y का मान अलग-अलग रख के हम चेक कर रहे थे बायां पक्ष और दायां पक्ष निकालने के लिए। आगे हम ये जानेंगे कि कैसे बिना दायां पक्ष और बायां पक्ष चेक किए, है ना, ये जो इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी हम एक-एक मान रखते जा रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पे हमको दिख रहा था तो आसानी से हो गया। इस तरीके में क्या है कि बहुत सारे आपको वैल्यूज रख के चेक करनी पड़ेंगे। ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा मेथड है ये। आगे हम जानेंगे कि इसको आसान तरीके से कैसे हल कर सकते हैं।